फिर हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर को बताया, वो अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे आपका जहाँ ट्रांसप्लांट होना है वहीं लेके जाइए। और हमारे यहाँ से जो ट्रांसप्लांट होना है इंदौर में, हम जबलपुर में रहते हैं, बिखरा पड़ा है क्योंकि कपड़े कल धुले थे तो गीले थे, तो अंदर डाल लिए, कुछ कुर्सी में रखे हैं। तो अभी इनको मैं सबको समेटूंगी क्योंकि बाहर बारिश वाला मौसम है ना, तो मैंने सोचा कि अंदर थोड़े बहुत कपड़े सूख जाएंगे, वरना ऐसे तो फिर वो बस आने लगते हैं। और अभी मेरी ख्याल से देखिए पानी गिर ही रहा है वो। तो मैं बनाऊंगी चाय और इसके बाद बनाऊंगी फिर सब्जी रोटी। इसको तेज में खिला लेती हूँ। और मेरी ना हैबिट है दो बार चाय पीने की, काम बहुत सारा हो जाता है मेरे पास, इसलिए दो बार चाय पीती हूँ। अभी पी रही हूँ, अभी करीब बज रहा है 7 और आज काफ़ी लेट उठ गई थी सोकर क्योंकि कल उपवास था ना। क्या खा रहे हो हैं पुंगा? खा लो, अच्छा है। अच्छा पापा कहाँ गए? कहाँ कुकू? चलो बैठ के खा। तो अभी बज रहा है करीब 9। अभी भी वो मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, तब डायलिसिस में करीब 3-3:30 बजे गए थे और रुक रुक के डायलिसिस हुई है क्योंकि बीच में पैरा कट रहे थे तो रोक दिया है। सो अभी हम लेकर गए थे पर नहीं किया था हमको एडमिट, वहाँ के डॉक्टर ने बोला था हम नहीं कर सकते डायलिसिस, मतलब स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। डायलिसिस करने लायक नहीं थी तो लौटा दिया था, पर उनकी उनको दिक्कतें हो रही थी जैसे घबराहट, सांस फूलना। तो फिर हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर को बताया, वो अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे आपका जहाँ ट्रांसप्लांट होना है वहीं लेके जाइए। और हमारे यहाँ से जो ट्रांसप्लांट होना है इंदौर में, हम जबलपुर में रहते हैं, हमारे यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर है, मैं अर्जेंट में उनको कैसे लेके जाती? तो ज़बरदस्ती हमने डॉक्टर के एडमिट किया और उनसे खूब हाथ पैर जोड़े, आप डायलिसिस कर दीजिए। अब वो आते हैं, क्या स्थिति है अभी? तो उनको बुखार हो गया था इसलिए, क्योंकि बुखार में या इन सबों पर डायलिसिस नहीं होती तो मना कर दिए थे, और डायलिसिस भी ज़रूरी थी। बस मैं हर दिन कोशिश में, मैं हर दिन उनको ऐसे तड़पते देख रही हूँ तो सच में मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और आप हमारी सच में फैमिली हैं, तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। डायलिसिस कराना भी ज़रूरी था, वो आते हैं क्या उनकी स्थिति है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हर एक दिन में अपने ही आंखों के सामने मैं हस्बैंड को इस तरीके से देखती हूँ, दिल झकझोर जाता है पूरी तरीके से, ऐसा लगता है अपने आप को क्या कर लूं। तो डॉक्टर भी किसी की नहीं सुनते, सिर्फ उनको अपने मन की करनी होती है। और आप लोग मुझे रोना पता है क्यों आता है? क्योंकि
आप सोच के देखिए मैं किस कंडीशन में हूँ। अगर हमारे घर के बच्चे को या किसी को भी, किसी घर के किसी भी व्यक्ति को थोड़ी भी तबीयत खराब हो जाती है तो हम पूरे तरीके से टूट जाते हैं। यह मेरे हस्बैंड की पूरी जिंदगी का सवाल है, मेरा जिंदगी का सवाल है। बस अभी आए थे और देखिए रात हो गई है, और अभी आए थे और मास्क वगैरह इनको निकाल दी, इनको गर्मी लग रही थी बहुत, तो मैंने कहा ठीक है पंखा वंखा चालू कर दी, क्योंकि एक डायलिसिस इनको पहला भी अकड़ गए थे, रुक रुक के डायलिसिस हुआ था, मुझे भी सांस फूल रही है। और ये डायलिसिस हुआ तो ये आ चुके थे, और अभी करीब 9 बज रहा है, मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ। ये देखिए 8:45 हो रहा है, आपको दिखाई देगा 8:45 हो रहा है, और ये अभी आए हैं, अभी 15 मिनट हुए हैं, और मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर दूं, उसके बाद फिर मैं इनको खाना खिलाऊं। अभी तो इनको खिला दिया है, दलिया बनाया था, दलिया इनको खिला दिया है क्योंकि आते ही साथ भूख लग रही थी तो। और ये देखिए पहले यहाँ से ट्राई किया था इस बार, क्योंकि इनकी तबीयत भी ख़राब थी आपको पता है, तो यहाँ से ब्लड नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको पता है जब डायलिसिस होता है तो पूरे बॉडी का डायलिसिस मशीन रहती है ना, वो फिल्टर करती है हमारे जो अंदर के ब्लड को निकाल के फिर से वापस एक नल से डाली जाती है, तो इसके लिए दवाई तो यहाँ से मतलब यहाँ जीए वाले जो उधर से लगाई थी सीरेंज, तो पाइप में से ब्लड नहीं आ रहा था, तो फिर यहीं पे ट्राई उनने किया, क्योंकि यहाँ पे इनको नस के कारण पहले मना कर दिया था, फिर वापस से वहीं किया, तो आज इधर पर भी सुई लगी, इधर पर भी लगी, इधर पर भी, तीन जगह ऐसा है। मैं इनको खाना खिला रही थी और मतलब सब्जी और दाल खिला रही, सॉरी दाल और रोटियां खिला रही थी, और आज डायलिसिस करा लिया, सोमवार को है, फिर मंगलवार को हमें निकलना है, मतलब आज भी काफ़ी पानी निकला है जो डायलिसिस में, 3-3.5 लीटर निकल गया है, तो कमज़ोरी भी थी और भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही खिला देती हूँ, क्योंकि हर मतलब 1-1.5-2 घंटे बाद गोली खानी है। तो अभी बस मैंने इनको खाना खिलाया और सारे घर में कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से पानी गिर रहा था तो पानी बंद हो ही नहीं रहा था, रिमझिम वाली बारिश थी, और अभी इनकी बस मैंने ये पट्टियाँ खोली हैं तो देखिए इतना। तो चलिए ठीक है मैं यहीं पर एंड करती हूँ और इनको सोने देती हूँ, आप मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाय बाय।